सो हेलो गाइज, मैं हूं सोमोजित और स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो पर। आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूं ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो 4x4 वेरिएंट आता है उसका। अभी आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, फॉर्च्यूनर में आपको कौन कौन से वेरिएंट अभी कंपनी ऑफर करता है। एकदम पूरा बेस वेरिएंट, ठीक है, ऑफ द फॉर्च्यूनर इन 4x4 वर्जन। सो अभी हम लोग पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दो कीज कंपनी ऑफर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक एंड टू एक्सेस द रेयर बूट, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही 3 कंट्रोल्स मिल जाता है और आपको पीछे में यहाँ पर फॉर्च्यूनर का जो लोगो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी हम लोग पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप फ्रंट में देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम पूरा LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है और आपको यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर एकदम पूरा LED DRLs देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल में आपको यहाँ पर एकदम पूरा क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ऑन द फ्रंट ग्रिल, टोयोटा का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इन क्रोम फिनिश। फ्रंट बम्पर में आपको यहाँ पर नॉर्मल जो बॉडी कलर का जो फिनिश है, ठीक है, वो आपको तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एकदम सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट फॉग लाइट्स आपको यहाँ पर LED प्रोजेक्टर में दिया गया है विथ फ्रंट पार्किंग सेंसर और आपको नीचे में यहाँ पर डुअल फंक्शनल LED DRLs आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट बोनट का आप एकदम पूरा लुक वगैरह देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रीज लाइंस मिल जाता है, डुअल वाइपर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये है एकदम पूरा टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 का फ्रंट प्रोफाइल से लुक। अभी मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल से लुक दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 का साइड प्रोफाइल से लुक। आप यहाँ पर साइड से एकदम पूरा लुक देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी मैसिव लुक आपको यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है और आपको इसका जो व्हील बेस है, ठीक है, वो भी आपको स्क्रीन में शो ही हो रहा है। सो अभी हम लोग पहले इसके व्हील से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर एकदम पूरा, ठीक है, एकदम पूरा सैटिन सिल्वर फिनिश में इसका जो अलॉय व्हील है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और टायर का जो साइज़ है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 265x60 R18 inch में आपको यहाँ पर रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है विथ सैटिन सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील इन 6 नट। और आप यहाँ पर एकदम पूरा व्हील आर्च वगैरह देख ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको फुटस्टेप वगैरह दिया गया है। ORVM की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर एकदम पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और आपको ऑटोमेटिकली फोल्डेबल फंक्शन के साथ इसका साइड ORVM मिल जाता है इन साइड टर्न इंडिकेटर। क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर डोर ओपनिंग हैंडल मिल जाता है और गाइस आपको यहाँ पर एकदम पूरा विंडो लाइन में क्रोम फिनिशिंग वगैरह दिया गया है। और ये है एकदम पूरा टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 का साइड प्रोफाइल से लुक, ठीक है। अभी मैं आपको इसका रेयर का जो लुक्स है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है रेयर प्रोफाइल से लुक ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4। अभी हम लोग पहले रेयर के जो रेयर टेल लैम्प्स है, ठीक है, उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर फुल LED रेयर टेल लैम्प्स मिल जाता है, सिर्फ इसका जो रिवर्स लाइट है, ठीक है, वो आपको हेलोजन में दिया गया है। और आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश के ऊपर फॉर्च्यूनर का जो बैजिंग है वो आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पर टोयोटा का जो लोगो है वो दिया गया है, रेयर वाइपर और आपको यहाँ पर रेयर डिफॉगर और आपको ऊपर में यहाँ पर रेयर स्पॉयलर मिल जाता है और आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका हाई माउंटेड जो स्टॉप लाइट है वो आपको मिल जाता है और आपको ऊपर में यहाँ पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। पीछे में आपको यहाँ पर Sigma 4 का जो बैजिंग है, ठीक है, इसका मतलब ही ये है 4x4 वर्जन। रेयर बम्पर आप देख ही सकते हो विथ 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड विथ रेयर रेड फॉग लाइट्स आपको दिया गया है। अभी मैं आपको इसका रेयर का जो बूट है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ से की से आप इसको ईजिली एक्सेस कर पाओगे। सो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपनेबल रेयर का जो टेल गेट है वो आपको मिल जाता है और आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, इसका बूट स्पेस कैपेसिटी। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। आपको यहाँ पर इसका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और ये काफ़ी स्मूथली ओपन एंड क्लोज हो जाता है। सो गाइस, ये था एकदम पूरा फॉर्च्यूनर 4x4 का फ्रंट से, साइड से और आपको रेयर से लुक। अभी मैं आपको अंदर से लुक दिखा देता हूँ ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो अभी पहले कार को करते हैं अनलॉक और ये है इसका ड्राइवर साइड का जो डोर ट्रिम है उसका लुक।
और आप यहाँ पर एकदम पूरा देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सैटन सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश और आपको एकदम पूरा ब्लैकआउट में इसका ड्राइवर साइड का जो डोर ट्रिम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए इसमें जो जो कंट्रोल्स मिलता है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपको यहाँ पर ORVM को एडजस्ट आप यहाँ से कर पाओगे, फोल्ड आप यहाँ से कर पाओगे, विंडो को आप यहां से लॉक कर पाओगे और आपको यहां पर लॉक एंड अनलॉक करने का जो बटन है वो आपको यहां पर मिल जाता है। ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल विथ ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको एकदम पूरा इसका जो कंसोल है, ठीक है, वो आपको दिया गया है और आपको यहां पर थोड़ा सा ब्लैक लेदर में, ठीक है, इसका जो आर्मरेस्ट और इसका जो ग्रैब हैंडल है वो आपको मिल जाता है। नीचे में आपको यहाँ पर जो स्पीकर का प्लेसमेंट है वो दिया गया है, बॉटल होल्डर और कुछ सामान वगैरह रखने का स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। सैटन सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर डोर ओपनिंग हैंडल मिल जाता है इन क्रोम फिनिश। अभी मैं आपको कार के अंदर में बैठ के इसके सारे फीचर्स अभी मैं आपको एकदम पूरा समझा देता हूँ। सो गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ टोयोटा फॉर्चुनर के 4x4 के अंदर। सो अभी आप एकदम पूरा इसका डैशबोर्ड का एक बार एक पूरा लुक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी पहले कार को ऑन कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर पुट स्टार्ट स्टॉप देखने के लिए मिल जाता है और ये है टोयोटा फॉर्चुनर 4x4 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। गाइस, आपको यहाँ पर इसका जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर इसका जो RPM मीटर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको बीच में यहाँ पर एक स्मॉल MID मिल जाए। आपको यहाँ पर हेडलाइट के जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर फ्रंट एंड रेयर के जो वाइपर्स है, ठीक है, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये है टोयोटा फॉर्चुनर का जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। गाइस, आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर MID से रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्टिच लेदर का फिनिश आपको दिया गया है और आपको ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, और आपको ऊपर में यहाँ पर एकदम पूरा वुडन फिनिश दिया गया है। नीचे में यहाँ पर एकदम पूरा सिल्वर सैटन फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी गाइस, कार को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये है इसका एकदम पूरा म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, आप एकदम देख ही सकते हो। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह का जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और ये मतलब इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। आपको ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, ऊपर में आपको यहाँ पर AC के जो कंट्रोल्स है वो मिल जाता है और आपको बीच में यहाँ पर, हाँ, जो हैजर लाइट का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम और आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला जो AC है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और आपको यहाँ पर एक चार्जिंग का जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और गाइज, आपको यहाँ पर फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स का जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। डाउन हिल का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर 4x4 का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। गाइज, आपको यहाँ पर इसका जो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एकदम पूरा क्रोम फिनिश वगैरह आप एकदम पूरा देख ही सकते हो और यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और आपको यहाँ पर एक ग्रे सा कुछ फिनिश टाइप आपको यहाँ पर दिया गया है, सिल्वरी सैटन फिनिश। IMT ट्रांसमिशन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ से ऑफ कर पाओगे और आपको यहाँ से जो डिफरेंशियल लॉक है, ठीक है, उसको आप यहाँ से कर पाओगे। मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट विथ सम स्पेस, अपर ग्लोब बॉक्स विथ सम डिसेंट स्पेस, लोअर ग्लोब बॉक्स विथ मेनी स्पेस, मतलब काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहाँ पर ट्विटर्स वगैरह दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, सनग्लास होल्डर फॉर द ड्राइवर, रीडिंग लाइट आपको मिल जाता है इन वाइट LED, कोडाइवर साइड सनसेट विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर एंड विद अ लाइट, ड्राइवर साइड सनसेट, ठीक है, विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर और आपको यहाँ पर भी लाइट दिया गया है। सो ये है गाइस एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक ऑफ टोयोटा फॉर्चुनर 4x4। अभी मैं आपको इसका जो सीट है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, अभी मैं आपको इसका पैसेंजर साइड जो डोर है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है इसका पैसेंजर साइड डोर ट्रिम, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एकदम पूरा ब्लैक थीम में, ठीक है, ये आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पर फॉर्चुनर का एक लोगो टाइप मिल जाता है, ठीक है, डोर ओपनिंग हैंडल इन क्रोम फिनिश और आपको यहाँ पर सिल्वर सैटन फिनिश, पावर विंडो के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक ग्लॉसी ब्लैक का जो फिनिश है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
आर्म रेस्ट, ठीक है, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है। स्पीकर का जो ग्रिल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आपको यहाँ पर एक 1 लीटर बॉटल होल्डर और आप यहाँ पर कुछ कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर इजीली कैरी कर। ये है एकदम पूरा इसका जो सीट है, ठीक है, उसका लुक आपको यहाँ पर एकदम पूरा ब्लैक लेदर में, ठीक है, इसका एकदम पूरा सीट आपको दिया गया है विथ ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और आपको यहाँ पर एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है, रियर पैसेंजर के लिए, जो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर। और आपको ऊपर में यहाँ पर रीडिंग लाइट वगैरह दिया गया है विथ रियर एसी वेंट। और ये है थर्ड रो, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है विथ, हाँ, विथ 50-50 जो स्प्लिट फंक्शन है, ठीक है, उसके साथ। अभी मैं आपको इसका जो इंजन है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ से, ठीक है, सो आप यहाँ से फ्रंट बोनट को आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे और आप यहाँ से फ्यूल फिलर कैप को आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। और गाइस, आप यहाँ से डीजल फिल कर पाओगे और आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अभी मैं आपको इसका जो इंजन है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 का डीजल इंजन। इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन। इसमें आपको 201 bhp का पावर और आपको 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और आप इस इंजन से आराम से 10 to 12 kmpl का माइलेज आप इससे आराम से निकाल पाओगे। और ये टोयोटा का काफ़ी रिलायबल इंजन माना जाता है। और आप एकदम पूरा इसका इंजन बे वगैरह देख ही सकते हो। सो गाइस, ये था एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 इन ब्लैक कलर। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।